ओके हैव रोन सो टूडे लेट्स डिसकस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट सज द टू लार्ज ग्लास प्लेट्स आर प्लेसड वर्टिकली एंड पैरल टू इच अदर इन साइड अ टैंक ऑफ वाटर विद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू वन एम एम फाइन द राइज ऑफ वाटर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन फाइन सो हमारे पास एक वाटर टैंक है समथिंग लाइक दिस एंड इसमें हमारे पास वाटर है इस तरह से एंड हमारे पास दो लार्ज प्लेट्स हैं जिसे हम पैरेलली एंड वर्टिकली पुट करते हैं इन दिस वाटर टैंक लेट से ये प्लेट वन है एंड ये प्लेट टू है एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज गिवन डी इज इक्वल टू वन एम एम सो वॉट विल हैपन आप देखो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन जो वाटर का हाइट है वो राइज कर जाएगा इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स ये जो स्पेस है बिटवीन द टू प्लेट्स यहाँ पे जो वाटर का हाइट है वो राइज कर जाएगा बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन समथिंग लाइक दिस सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना वाटर का हाइट राइज कर गया लेट्स से एच नॉट सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है इफ़ यू डायरेक्टली रिमेंबर इट अगर आपको फार्मूला डायरेक्टली याद है दैट इज एब्सोल्यूटली फाइन अगर आपको याद नहीं है स्टिल यू कैन डू इट कंसेप्ट क्या है जो भी वाटर राइज होगा उसका जो वेट होगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाई दर्फेस टेंशन फोर्स कितना वॉटर राइस हुआ है आप देखो ये जो क्रॉस एक्शनल एरिया है ये कितना हो गया दिस क्रॉस एक्शनल एरिया डी इंटू एच नॉट राइट और लैसे uh, जो वेड्थ है इस प्लेट का इस तरह से इस डायरेक्शन में वर्थ होगा प्लेट्स का है ना समथिंग लाइक दिस इसका भी वर्थ होगा सेम व्थ होगा So let's say ये जो वेट इज बी है ना सो so कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज हुआ है that will be D into H0 into उस direction में जो वेट कितना होगा दैट विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ये मास हो गया इंटू जी इस वेट को कौन बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन का फोर्स अब सरफेस टेंशन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा आप देखो यहां पे लगेगा इस तरह से है ना वर्टिकली अपवर्ड ये है सरफेस टेंशन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड क्यों लगेगा बिकॉज ये जो एंगल होगा ना ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी ज़ीरो बिकॉज कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ वाटर विद द ग्लास इज ज़ीरो सो दैट्स वाई यहां पे जाके ये जो मिनेसकस uh, है ना ये टेंजेंट हो जाएगा इस ग्लास प्लेट पे सो दैट्स वाई जो सरफेस टेंशन का फोर्स है कहाँ पे लगता है पैरीमीटर पे है ना एजेस पे सो दैट्स वाई यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये सरफेस टेंशन का फोर्स है दोनों प्लेट्स पे लगेगा लाइक इसमें भी लगेगा इस तरह से सो so कितना लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स देखो यहाँ पे कितना हो गया सरफेस टेंशन इंटू ये जो लेंथ है बी और यहाँ पे भी इतना ही लगेगा सो टू टी बी सो दैट इज इक्वल टू टू इंटू टी इंटू बी सो यहाँ से B से B कैंसल हो जाएगा वॉट यू आर गेटिंग एच नॉट इज इक्वल टू टू टी डिवाइडेड बाय डी रो डब्ल्यू इंटू जी जस्ट पुट द वैल्यूज टू इंटू सरफेस टेंशन दैट इज़ जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव डिवाइडेड बाय डी दैट इज़ टेन राइज टू द पावर माइनस थ्री वन एम एम दे रखा है राइट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर टेन राइज टू द पावर थ्री इंटू जी सो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हाइट Of water between the two plates. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, it's Keep Working Out. Best of luck. Bye.